हेलो हाय गाइस एवरीवन, सब लोग कैसे? और मोबाइल अनबॉक्सिंग यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज अपने एक अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। वीवो का फ़ोन है, वीवो का भी फिलहाल में न्यू फ़ोन है ये, और मार्केट में लॉन्च हो चुका है इंडिया मार्केट में वीवो V29। बहुत ज़बरदस्त फ़ोन है, एकदम कूलिंग फ़ोन है और बहुत अच्छा फ़ोन है, स्मार्ट फ़ोन है। 31,000 रुपये का फ़ोन आता है, उसकी मार्केट प्राइस इंडिया में है। फिलहाल फ्लिपकार्ट अमेजन पर भी इसको वीवो में कोई डिस्काउंट नहीं आता, इसकी हमेशा मार्केट फिक्स ही रहती है। और ये एक प्लास्टिक का इसके साथ में कंपनी कवर देती है। पूरी अनबॉक्सिंग में आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ गाइडलाइन के अनुसार बुकलेट आते हैं और इसके अंदर ये 80 वॉट का फास्ट चार्जर है, बहुत दमदार है जो फ़ोन फटाफट फ़ोन चार्जिंग भी हो जाएगा, क्योंकि चार्जर बहुत एकदम अच्छा और फ्लैश चार्जर है जो फास्ट चार्जर होगा, फटाफट फ़ोन को कर देगा। और इसकी बैटरी बैकअप वाला ये फ़ोन है और इसके साथ में USB केबल आती है। यहाँ पे आपको एक पिन देखने को मिल रही है और फ़ोन कितना बहुत बड़ा ज़बरदस्त है। ये रेड कलर के अंदर है, उसमें दो कलर आते, पहले हमेशा फ़ोन वाइट और ब्लैक में निकालता था। फिलहाल कंपनी हमेशा सारी कंपनियाँ अभी कलर वाइज पे बहुत डिफेक्ट और ध्यान दे रही है, और लुक और डिजाइन पे, ये लुक और डिजाइन पे बहुत ज़ोरदार फ़ोन है। और ये रेड कलर के अंदर है, इस तरह का इसका बॉक्स है, पीछे के ट्रिपल कैमरे है, प्लस ये फ्लैश लाइट है, एक लुक है और ये फ्लैश लाइट है, ये ट्रिपल कैमरे। यहाँ पे आपको वीवो की ब्रांड देखने को मिल रही है और यहाँ पे टाइप सी का चार्जर है, यहाँ पे स्पीकर का है, यहाँ साइड में दो सिम कार्ड लगती है, मेमोरी कार्ड इसमें नहीं लगती है। और फ़ोन एकदम शाइनिंग है, जैसे लुक से डिजाइन से, और करव है। देखो यहाँ से मैं आपको आजू बाजू से पूरी नज़र डलवा देता हूँ, एकदम करव है और बहुत अच्छा फ़ोन है, क्योंकि रेड कलर के अंदर आप देखोगे तो कितना ज़बरदस्त है एकदम। और ये फ़ोन एकदम बहुत अच्छा फ़ोन है, क्योंकि जो प्राइस दिए इस प्राइस के अनुसार कितना शानदार फ़ोन है। क्योंकि जो वीवो ने जो फिलहाल 31,000 रुपये के अंदर आपको करव डिस्प्ले, बाकी कंपनी की कंपेयर में जाओगे, जैसे इसका नॉर्मली आप कभी भी देख रहे हो तो जैसे आप एक बार ऐसे करो सेटिंग में जाओगे तो यहाँ से आप अबाउट फ़ोन खोलोगे तो यहाँ से सारी चीज़ें अभी लिख के आती है, जो जो 13 हो गया उसके अंदर लिख के आएगी कि भाई इसके अंदर क्या प्रोसेसर है। तो स्नैपड्रैगन 778G का प्रोसेसर आता है, 8GB रैम है, 8GB एक्स्ट्रा है, 128GB एंड्रॉयड 13 है, सारे जो अपडेटिंग सिस्टम है अभी फिलहाल कंपनी उसके अंदर फ़ोन में ही दे रही। पहले फिलहाल क्या होता था कि इधर उधर से गूगल पे और सर्च मारते थे, या फ्लिपकार्ट अमेजन है, 91mobileapplication.com है, वहाँ से आप देखने पड़ता था इसको, अभी यहाँ से ही। और कैमरे क्वालिटी में आप देखने जाओगे तो फ़ोन बहुत अच्छा है, जैसे उसका कैमरा कैसा है मैं आपको एक बार नॉर्मल हल्के से कैमरे पे भी आपको मैं नज़र डलवा देता हूँ कि देखो, जैसे आप वीडियो रिकॉर्डिंग में के लिए ले रहे हो तो ये फ़ोन बहुत बड़ा अच्छा है। इसमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम है, मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम है 3G FPS के साथ में, और 1000 में है 60 FPS के साथ में, तो बहुत बड़ा ज़ोरदार है। क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में आप व्लॉगर हो, यूट्यूबर हो, या इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे, अदरवाइज आप जहाँ पे भी वीडियो बना रहे हो, कैमरा क्वालिटी के मामले में फ़ोन ले रहे हो तो बहुत शानदार ये एक फ़ोन है, बहुत बड़े बड़े फ़ोनों को टक्कर देने वाला है। क्योंकि ये जो महंगे कैमरे होते हैं वो इसके अंदर यूज हुए हैं, और कैमरा की जो यहाँ की जो क्वालिटी है वो आपको यहाँ से ही देखने को मिल जाएगी। देखो एक बार फिलहाल मैं मेरा जैसे आपको नॉर्मली पोर्टल में जाता हूँ और यहाँ से आपको एक सेल्फी लेकर दिखा देता हूँ जो किस तरह की क्या आ रही है। देखो बहुत बड़ी ज़बरदस्त आ रही है जो सेल्फी के मामले में और हर तरह से मामले में, ये फ़ोन बहुत एकदम अच्छा और शाइनिंग है और चलने में बहुत बड़ा स्मूथ है, एकदम हल्का फ़ोन है। और ये नॉच में ही आपको ये कैमरा दे दिया और यहाँ पे फिंगरप्रिंट आ गया और सॉरी स्पीकर आ गया, और इन डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट आ गया, जिसका फिंगरप्रिंट ये डिस्प्ले के अंदर ही आता है। बाकी अदरवाइज फ़ोन एकदम स्लिम और हल्का फ़ोन है, वेट की बात की जाए तो बहुत हल्का सा वेट में है और एकदम शाइनिंग है और एकदम हल्का पतला सा लंबा फ़ोन, एकदम जो लुक और डिज़ाइन से भी फ़ोन फिट है। बट उसके कई सारे ऐसे फ्यूचर है, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं, जैसे उसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी कुछ आती है जिसके बारे में अपनों को नॉलेज नहीं होता है, वो उसके बारे में मैं कोशिश करता हूँ जहाँ तक वो संभव हो बताने की, और अपना मेरे वीडियो के अंत तक। मैंने आपको पहले बताया फ़ोन बहुत अच्छा है, एकदम गुड फ़ोन है, और इसके अंदर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर आता है 778G करके जनरेशन जिसको फर्स्ट बोलते हैं, और 8GB प्लस 8GB एक्स्ट्रा रैम उसके अंदर है, 8+8 16 हो जाएगा। और उसके जो इस डिस्प्ले अपने बात करते हैं, डिस्प्ले की जो डिस्प्ले है वो बहुत ज़ोरदार है, एमोलेड डिस्प्ले है, एमोलेड डिस्प्ले होती है तभी तो फिंगरप्रिंट इन डिस्प्ले में आता है। एमोलेड जो जहाँ डिस्प्ले होती है वहाँ डिस्प्ले क्वालिटी और कैमरे क्वालिटी, फोटोज़, वीडियोज़, कई सारी ऐसी चीज़ें होते हैं जहाँ जहाँ एमोलेड डिस्प्ले आती है, वो डिस्प्ले थोड़ी महंगी भी आती है, और वहाँ नॉच में आ गई वापस तो बहुत अच्छी है, फ्लैट एकदम है। और 6.78 इंच की इसकी साइज़ आती है, जो इसकी जो ये स्क्रीन की जो साइज़ है वो 6.7 इंच की आती है, और जो PPI है, जो मेगापिक्सल जिसका पूरा कैमरे के काम करता है उसको बोलते हैं PPI, वो 453 की बहुत ज़बरदस्त है। वैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कैमरा क्वालिटी में मामले में फ़ोन बहुत अच्छा है। 120 GHz, जो 120 GHz की जो स्पीड आती है, जैसे ये फ़ोन फटाफट चलने के होते हैं उसको बोलते हैं 120 GHz, जैसे वो स्पीड है इसकी बहुत ज़बरदस्त है। और बट ये लुक से भी और डिज़ाइन से भी फ़ोन अच्छा है, क्योंकि जो प्राइस दी है इसके अनुसार अब 31,000 रुपये की अपने हिसाब से बाकी फ़ोनों की कंपेयर में अच्छा है। वैसे 31 भी अमाउंट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, हर इंसान के लिए लेना कोई बड़ी है, क्योंकि जो हर का किसी का काम नहीं है ये चीज़।
और उसके अंदर 50 मेगापिक्सल ये मेन कैमरा है, बाकी वाला 8 का है, 2 का एलईडी फ्लैश के साथ में, 4K में 3 FPS के साथ में वीडियो रिकॉर्डिंग। मैंने आपको वीडियो लेके भी बताया है कि उसके अंदर 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग है 3 FPS के साथ में, और वो भी है 4K में। और जो फ्रंट जो सेल्फी है, जो कैमरा, जो आगे का जो कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का, वो भी 4K में 3 FPS के साथ में वीडियो रिकॉर्डिंग है। और उसकी बैटरी है वो 4600mAh की है, 4600mAh की है, बट यहाँ पे आपको 5000mAh की बैटरी करनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि फिलहाल भी 5000mAh की जो बैटरी होनी बहुत कंपलसरी, क्योंकि यहाँ नेट है, प्रोसेसर है, जो सारे गेमिंग सिस्टम है इनके अनुसार जो फ़ोन जितना चाहे स्पीड से चलेगा इतनी बैटरी भी खाने की प्रोसेसर इसका सिस्टम रहता है। फिलहाल तो भी बैटरी ठीक है। 80 वोल्ट का फास्ट चार्जर, फ्लैश USB टाइप सी के साथ में, 80 वोल्ट का आपको मैंने दिखा दिया। इसका चार्जर है जो फ़ोन फटाफट एकदम चार्जर हो जाएगा, करीबन 30-40 मिनट के मेरे हिसाब से लमसम में हो जाएगा, परंतु जितना जल्दी होता है इतना। पर बट फोन बहुत अच्छा है, प्रोसेसर वाइज सारी चीज़ें ऑल ओवर से देखा जाए तो फ़ोन बहुत एकदम वीवो V29 बहुत ज़बरदस्त है। इसके अंदर ई भी आया है, प्रो भी आया है, बहुत सारे फ़ोन हैं, परंतु ये फ़ोन लुक से भी डिज़ाइन से बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को एक बार आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, कोई गलती हो तो माफ़ करना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।